नसरल्ला की मौत को लेकर इजरायली मीडिया ने बड़ा दावा किया है। कहा गया है कि नसरल्ला की मौत बम लगने या फिर आक्रमण यानी हमले से नहीं हुई है। हिजबुल्ला चीफ के मारे जाने की वजह कुछ और थी। हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्ला की मौत का कारण सामने आ रहा है। जिस वक्त हिजबुल्ला के मुख्यालय पर हमला हुआ था, उस वक्त नसरल्ला सीक्रेट बंकर में छिपा हुआ था। इजरायली मीडिया ये दावा करती है कि जिस समय हमला किया गया, उस समय नसरल्ला अपने बंकर में था और बंकर बहुत सुरक्षित था। लेबनान में इजरायली लगातार हिजबुल्ला के ठिकानों को टारगेट कर हवाई हमले कर रहा है। इसी तरह 27 सितंबर को भी इजरायल ने हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को टारगेट करते हुए बेरूत स्थित हिजबुल्ला के मुख्यालय पर बमों की वर्षा कर दी थी। इस हमले के बाद नसरल्ला के मारे जाने की खबर सामने आई थी। हमले के बाद मिली नसरल्ला के शव पर कोई घाव के निशान नहीं थे, जिसके बाद सबके मन में ये सवाल उठने लगा कि अगर बमों से नसरल्ला की मौत नहीं हुई तो फिर आखिर उसकी मौत की वजह क्या थी। इसराइल की एक मीडिया के मुताबिक नसरल्ला की मौत हमले के बाद फैले जहरीले धुएं की वजह से हुई है। इसराइल के मुताबिक जिस वक्त हिजबुल्ला के मुख्यालय पर हमला हुआ, उस वक्त नसरल्ला सीक्रेट बंकर में था, लेकिन उसे क्या पता था कि वही बंकर उसकी मौत की वजह बन जाएगा। दावा यह भी किया जा रहा है जिस वक्त हमला हुआ तब हसन नसरल्ला हिजबुल्ला नेतृत्व के साथ बैठक की तैयारी कर रहा था। इसराइल की मीडिया इस बात का दावा कर रही है कि 27 सितंबर को हिजबुल्ला के मुख्यालय पर हुई बमबारी में इसराइल की सेना ने जिन बमों का इस्तेमाल किया था, उनको बंकर बर्स्टिंग कहा जाता है। इन बमों का वजन 80 टन का होता है, जो बड़ी आसानी से मजबूत बंकरों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ उस दिन भी हुआ। हिजबुल्ला चीफ के सीक्रेट बंकर को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद उसमें जहरीली गैस घुस गई और दम घुटने की वजह से 64 साल के हिजबुल्ला चीफ की मौके पर ही मौत हो गई। नसरल्ला की मौत के बाद से हिजबुल्ला की तरफ से इस बारे में कोई बयान या जानकारी सामने नहीं आई है। इजरायली हमलों में नसरल्ला के अलावा अभी तक हिजबुल्ला के कई बड़े नेता मारे जा चुके हैं। वहीं गाजा की तरह लेबनान के अंदर IDF ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। इजरायल की सेना की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सोमवार मंगलवार की रात में IDF लेबनान के अंदर घुस गई थी। IDF हिजबुल्ला के ठिकानों के खिलाफ सीमित स्थानीय और लक्षित जमीनी हमले कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।